मुझे पता है तुम रात में क्या करती हो। क्या करती हूँ मैं रात को? दीदी और जीजाजी के कमरे से आवाजें आती हैं और उस आवाज को सुनकर तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हो। कल रात को मैंने आपकी और विप्लव की बातें सुन ली थी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन धमाकेदार इरोटिक और बोल्ड सीन से भरे पड़े वेब सीरीज के बारे में, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और फिलहाल के दिनों में रिलीज हुई है। इन वेब सीरीज में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप अकेले में देख के इंजॉय करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। कोई पराया मर्द तुम्हें छुए, तुम्हें उठाए, तुम्हारे साथ डांस करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सो लकी दैट यू आर माई हस्बैंड। नंबर वन पर है मस्त राम। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे राइटर से जो कि अपनी राइटिंग को किसी भी तरह से पॉपुलर करना चाहता है, लेकिन उसकी राइटिंग किसी भी तरह से पॉपुलर नहीं हो पाती है और लास्ट में वो कुछ ऐसा लिखना शुरू कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। आखिरकार वो क्या लिखता है और इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो जाता, ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो फ्री में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। कभी हमें भी बुलाइए अपने अच्छे घर, हम आपको दाल भात खिलाएंगे। चला चला रे, एक बार लड़की देख तो ले भांजे। पर हमारी रंगीन राहों में आया एक नया ट्विस्ट। पापा कह रहे थे कि आप भी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं आजकल? देविका की व्यथा। सुनने में नारी उत्थान और सशक्तिकरण की कहानी लगती है। जी, पढ़ने वाले तो गंदे हैं, लेकिन सोचो ऐसी किताबों को लिखने वाला कितना घटिया होगा। नंबर टू पर है फील्स लाइक इश्क। दोस्तों, बेमूवी की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि रोमांटिक ड्रामा देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेमूवी में एक्चुअल में चार कपल के लाइफ को दिखाने की कोशिश की जाएगी और इन चारों की स्टोरी एकदम ही डिफरेंट है, लेकिन इनमें प्यार कैसे शुरू होता है और इनमें ब्रेकअप कैसे आते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट बेमूवी में। बेमूवी रिलीज की गई है 23 जुलाई 2021 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर तीन पर है स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक। दोस्तों, इस वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ टेररिस्ट से जो कि एक्चुअल में एक टेम्पल पर अटैक करते हैं और हमारे इंडियन सोल्जर उस टेररिस्ट अटैक को किस तरह से रोकते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 9 जुलाई 2021 में, वो भी जी। मिशन का दूजा हिस्सा शुरू होने वाला है काके। हर एक आधे घंटे एक बंदक मारा जाएगा। अभी अभी एक बंदक को मार दिया गया। ना पुलिस ना आरएएफ को एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशन से डील करने का। एनएसजी मस्ट एंगेज, क्योंकि बिलाल नाइकू के छूटने के बाद उन हॉस्टेज का छूटना तो नामुमकिन हो जाएगा। लेट मी गो इन नाउ सर।